हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आरबीएस ओडिशा मु आशा करछि आपनकर ओमास एग्जामिनेशन बहुत भल रे जाइतिबो। सो ए वीडियो रे आमे ओमास एग्जामिनेशन रो जो जनरल स्टडी पेपर 1 थिला सेटा को डिस्कशन करबा। एटा ला आपनकर सेट ए एटा कोनोसी आपनकर ऑफिशियल आंसर की को नेकी आरो जो डिस्कशन होउनी तो सेति पय आपन माने बायस हेबनी। जदी आपन को लागु जे कोनोसी क्वेश्चन रो आंसर भूल डिस्कशन होउची देन आपन से क्वेश्चन रो आंसर को कमेंट सेक्शन रे डिस्कशन करि परिबे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सो दैट जो अदर स्टूडेंट्स अछंती तांको भी सेटा हेल्प हबो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया जोटा कि आपन को कन्याकुमारी रो दिब्रुगढ़ को कवर करछि जारा लेंथ देछि 4154 किलोमीटर। दैट मींस आपन को साउथ रो नॉर्थ ईस्ट जाय एटा जाउछि तो तारो ना पचारछि तारो ना हला कोन विवेक एक्सप्रेस। सो ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन अगेन एटा आपन को गोटे करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन काहे कि ना आमे डिस्कशन करथिले करंट अफेयर्स रे द लार्जेस्ट टुलिप गार्डन ऑफ एशिया सेटा कहा को तारो मान्यता दिया जाय छी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रे तो तारो ना हला कोन इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जोटा कि आपन को कोडी अछि श्रीनगर रे अछि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर रे अछि। ओके देन थर्ड नंबर क्वेश्चन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एफडीआई इन इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एटा की अछि आपन को सिंगापुर फर्स्ट रे अछि। सिंगापुर रु आपनकर 17.02 बिलियन रकम आछि ना आपनकर एफडीआई आछि। सेकंड थर्ड भी मन रखि दियो। सेकंड हला कि मॉरिशस आपनकु एटा ए जो कंट्री अछि ए कंट्री आपनकु माने आश्चर्य लागथि कि मॉरिशस रु हमरो सेकंड एफडीआई आछि बट मॉरिशस रु सेकंड आछि तापर आपनकर यूएसए रे आछि एटा हला आपनकर 2023 पय। सो क्वेश्चन रा आंसर हेला कोन बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान एटा आपनकर रिसेंट रा न्यूज। दैट मींस 1 वीक पूर्वरु ए जो हमर कोन होतला दिल्ली रा जो एयर क्वालिटी थिला दिल्ली रा एयर क्वालिटी कोन हितला बहुत लो हे हितला एंड ऑड इवन स्कीम सेठी चलथिला मध्यम। सो एठी आपनकर सेइथरे पचार देछि कि जीआरएपी जोडा छि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान सेटा कोन आपनकर एठी पचार छि टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट रे एटा को हेल्प करे नाही एटा आपनकर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पय एनसीआर जोडा छि सेठी मेजरमेंट पे लिया जाए तो टू कॉम्बैट सडन सीजनल डिक्लाइन ऑफ एयर क्वालिटी इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। सो सेकंड इज राइट वन इज रॉन्ग तो एठी आपन को पचारछि क्वेश्चन कोटा ठीक अछि तो ओनली टू इज द राइट आंसर। देखंतु एथिरे जो क्वेश्चन गोडा देजी आपन को ओसीएस भलिया कर देजी जेमदि किछि करेक्ट अछि आ क्वेश्चन ने किछि नॉट करेक्ट भी पचारछि तो जो पिला माने कोन करथिए करेक्ट आंसर जानि थिबे किंतु क्वेश्चन पचारथियो नॉट करेक्ट तो से माने करेक्ट मार देई पळे आछथि ठीक अछि। सो क्वेश्चन को पढ़ी के आंसर करबा निहाती आवश्यक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लाइवेबिलिटी लिवेबिलिटी पे कहि परियो ताको इंडेक्स 2023 रिपोर्ट हिसाब रे आपन कोटा मोस्ट लिवेबल सिटी अछि ग्लोबली दैट इज वियेना। वियेना हला कहार कैपिटल ऑस्ट्रिया रो कैपिटल। ओके एटा गोटे आपन को यूरोप रे गोटे कंट्री आसे। सो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन द नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरब टू स्पेस टू गो टू स्पेस एटा भी आपन करंट अफेयर्स और क्वेश्चन एटा भी हम डिस्कशन करछे तो दैट इज रयाना बरवानी जे थिले सेला फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थिले जे कि सऊदी अरबिया रो जाउजंदी कोडी फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेस को जाउजंदी। देन 7 नंबर क्वेश्चन 50th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देखंतु प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पजाथला 2019 रे बहुत सारा क्वेश्चन आपन को पजाथला कोथरे ना इंपोर्टेंट डेज रु पचारथिला बट एठी पचारछि क्वेश्चन इंपोर्टेंट डेज हिसाब रे एनवायरनमेंट डे तो आपन को 5 जून रे सेलिब्रेट करा जाय कोडी सेलिब्रेट कराइतला दैट इज कोटेडी आइवरी दैट मींस आइवरी कोस्ट रे सेलिब्रेट कराइतला एंड एटा भी हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स रे डिस्कशन करि सरछि ठीक अछि। देन 8 नंबर क्वेश्चन एटा आपन को पर्सन एंड अवार्ड हिसाब रे पचारछि क्वेश्चन एंजेला मार्केल जे थिले ई हला आपन को यूनेस्को पीस प्राइज पई आंको अवार्ड मिलितला ई किए ना ई जर्मनी रो चांसलर थिले एबेन हांदी जर्मनी रो चांसलर थिले एंड मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल छी एटा भी ठीक अछि। बीके कार्तिकन पांडियन जोडा छन बा बीके पांडियन हम ओडिसा रो जे थिले सेक्रेटरी थिले ठीक अछि नवीन पटनायक रो तो तांकर तांको कोन मिलथला एफआईएच प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 एटा भी हमें करंट अफेयर्स रे डिस्कशन करथिले एंड दीपक चोपड़ा को मिलथला गोल्डन बुक अवार्ड। एटा एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन ठीक अछि काना गोल्डन बुक्स अवार्ड जोडा अछि सेटा बहुत लोकन को मिलि जे वर्ष तो देखंतु जदि आपन को 1 2 3 भी जणा अछि ऑप्शन हिसाब रे आपन को 1 2 3 जणा अछि तो 4 जणा नै ऑब्वियसली एठी आंसर आपनको डी ही हबो काहे ना 1 2 3 गोटे रे ही अछि ओके 9 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी सिटीज टारगेटेड टू बिकम 3-star गार्बेज फ्री सिटी बाय अक्टूबर 2024 काहे कि ना अक्टूबर 2 रे हम स्टार्ट करथले कोन स्वच्छ भारत अभियान ओके तो ए हिसाब रे आपनको 1000 टा सिटी को कोन करिवार अछि ना गार्बेज फ्री बनैवार अछि 10th नंबर क्वेश्चन एटी आपनको पचारजी कंसीडर द फॉलोइंग माने कंट्री देजी कंट्री आपनको को कंट्री रे कोनटा इवेंट होबा को जाउची ओके सो इंडोनेशिया आपनकर इवेंट करबे अंडर 17 वर्ल्ड कप दैट इज राइट उगांडा उगांडा को आपनकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जे थिले से जायतले कि एस जयशंकर से जायतले उगांडा एंड सेथिरे आपन सेठी ही आपनको तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हेतला बस सेठी तांकर इनागुरेशन करथिले सो सेकंड टा भी ठीक अछि फर्स्ट टा भी ठीक अछि एंड थर्ड जोडा देजी ईरान टू होस्ट फुटबॉल 2027 वर्ल्ड कप जोडा अछि फुटबॉल सॉरी एशिया कप तो सेटा को ईरान करिवोनी सेटाला साउथ अरेबिया करिवो सो थर्ड टा आपनको रॉन्ग हेगला तो ऑप्शन हिसाब रे देखंतु थर्ड कोथरे नाही एटा तो हबनी 1 एंड 2 ए इज द राइट आंसर देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द 17th गोल अडॉप्टेड इन द यूएन मेंबर स्टेट 2015 रे आपनको कोन हेतला यूएन देइतला ओडे टारगेट कि 2030 सुधा आपनको 17 टा जो एसडीजी अछि ताको फुलफिल करियार अछि एंड ए 17 टा एसडीजी फुलफिलमेंट पाई इंडिया रा जो प्रयास अछि सेटा भी बहुत भलो रे अछि ओके तो 17 टा एसडीजी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट आपण से जो ए चैनल ले जाय कि देखि परिवे 17 टा एसडीजी कोन सेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो एठी आपनकर एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म एभलिया कोनसी जिंस नाही एठी पचारछि कोटा नहोता भितरो which of the following does not figure okay zero hunger आसीबो gender equality आसीबो quality education भी आसीबो but b is आसीबोनी तो सेटा हेति पे आंसर हेला b then 12th नंबर क्वेश्चन आपन को पचारि छी कि जो डिसेंबर 2022 रे आपन को फोर्ब्स रो गोडे रिलीज हेतला वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन फोर्ब्स रिलीज करे तो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन ता भितरु हमर जने आस्थिले मिनिस्टर के ना हमर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण तो तांकर रैंक कोन थिला आउट ऑफ 100 तो तांकर रैंक थिला केते दैट इज 36 देन 13 नंबर क्वेश्चन एटा भी हम ऑलरेडी डिस्कशन करते करंट अफेयर्स रे मो जंगल जमी योजना तो एटा ओडिसा गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव गोटे देन 14 नंबर क्वेश्चन सोनम वांगचुंग तो ये लद्दाख रो बासिंदा ओके सो इंडिया पे बहुत सारा इनोवेशन आईडिया आनी के असंती गोटे renowned scientist मध्य and engineer also so तांकु गोटे अवार्ड मिलितला को अवार्ड मिलितला अबित्रु एटा आपनको पचर छी संतोकी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तांकु मिलितला बी एटार क्वेश्चन आपनको आंसर बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट देखिया को मिलिवो गूगल रे यदि सर्च करिवे बट आई विल गो विथ संतोक सॉरी संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यदि आपनको आर आंसर किछि डिफरेंट लागुची देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विथ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओके देन 15 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट एटा हला को भीमबेटका ओके भीमबेटका सो बी इज द राइट आंसर भीमबेटका एटा गोटे आपन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य एटा को 2003 मसिया रे वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो घोषणा करायतला एंड इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट देन मगस्थनीस रो वर्क को हम कोन कुहे सेटा इंडिका को इंडिका बोली कुहे मगस्थनीस के से कोड आस्थिले सेलिक्वस निकेटस तांको कोन करथिले पठैथिले एंड से आसीथिले काहाकू जेतोळे आपनकर चंद्रगुप्त मौर्य थिले तो तांको दरबार को से आस्थिले एंड लिखिथिले कोन इंडिका लिखिथिले देन 17 नंबर क्वेश्चन द गॉड शिवा इवॉल्व फ्रॉम द व्हिच ऋग्वेद गॉड देखन ऋग्वेद ला आपनको सबुठारू ओल्डेस्ट वेद ला कोन ऋग्वेद तो ऋग्वेद रु आपनकर रुद्र रु आपनको शिवांकर इवॉल्व हेजी बोली एटा मना जाय सो ए इज द राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन those who came to India from the Turkish speaking region of Central Asia were known as what देखन Iranians तो हबनी काना से माने Persia speaking करथले Afghans भी हबनी तो Iranians सहित मुजिबी B is the right answer again आरो यदि क्वेश्चन आरो किसी different answer आपन को जाना अछि then let me know in the comment section then 19 number question which ruler was the first to understand the measurement of the land in delhi sultanate रे फर्स्ट आपन को लैंड रे जोडा कोन छै लैंड को हमें मापी करी तापर रेवेन्यू सिस्टम दिया हेतला सेठी तो सेटा अलाउद्दीन खिलजी करथिले एंड अगेन अलाउद्दीन खिलजी आपन को कोन करथिले ना कैश रे तांकर जो सैनिक थिले तांको कैश दोथिले एज ए सैलरी ओके देन 20 नंबर क्वेश्चन which historian has attributed the decline of Mughal empires to an agrarian crisis. Agrarian माने कोना आपन को एटा जो decline of Mughal empire हला due to agrarian crisis, that means आपन को farmer crisis पाई एटा हेतला. त आकु के लेखितले, that is Irfan Habib. C is the right answer. 21 number question, एकता system किए इंट्रोड्यूस करैतिले. एटा very easy question. आपन को देखिथिबे प्रीवियस ईयर जो बला फ्रेम कराइतला क्वेश्चन सेही बला ही आछि. द स्टार्ट आउट टिके कोइ परे स्लाइटली डिफिकल्ट आछि, बट सेही बला ही आछि जोडा आपन को जेमती पॉलिटी रू क्वेश्चन आसिया कथा, जेमती साइंस रू क्वेश्चन आसिया कथा, जेमती आपनकर जो मेडिवल हिस्ट्री से थ्रू क्वेश्चन आसिया कथा, सेमती सब आछि. तो एकता सिस्टम आपण इल्तुतमिश कोन करथिले, लागू करथिले. एटा जो इल्तुतमिश हला ये हला के ना रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. फाउंडर हला के कुतुबुद्दीन ऐबक, बट रियल फाउंडर जदी पचारीबे ताले हला के दैट इज इल्तुतमिश. एंड आंकरी झील ही किए रजिया सुल्ताना, जी की फर्स्ट फीमेल आपंकर सुल्ताना थिले दिल्ली सुल्तान रो. देन मुकदम हला किए, मुकदम एटा आपंकर टिके ट्रिकी क्वेश्चन. मुकदम हला कोन ना विलेज हेडमैन को हमें कहतले कोन मुकदम. दीवानी राइट्स आपन को मिलथला का को ना ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 रे. एंड आ परठरू आपन जो गोल्डन एरा थला इंडिया रो सेटा खत्म हो जायतला. इंडिया को पूरा ब्रिटिशर्स माने लुटी की नहीं पड़े थे. एटा हला तार फर्स्ट स्टेप थिला बैटल ऑफ को बैटल रे इंडिया हारितला. ओके, तापरे आकु मिलिसला दीवानी राइट. सो एटा हमें ऑलरेडी जो ओसीएस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि. सो ओसीएस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एथि पय बहुत इंपोर्टेंट. जदी ओसीएस रो लास्ट 10 ईयर 5 टू 10 इयर्स यदि क्वेश्चन करिसेंती मैक्सिमम आपन को जो क्वेश्चन अछि थोड़ा सॉल्व हे जिवो एतरे. सो बिहार, बेंगल एंड ओडिशा जो दीवानी राइट्स अच्छी दिया जाता. देन 24 नंबर क्वेश्चन, 5 नोटेबल ओडिया पोएट्स एमर्ज्ड ड्यूरिंग व्हिच टू सेंचुरीज. एठी आपन को पचारिछि ओडिया पोएट्स भितर. देखंतु अगेन आ गोटे जिंस कहूछि, आपनकर जो सिलेबस थिला सिलेबस रे मेंशन नथिला कि आपन को ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी एगुडा सब किछि पढ़िया को पड़े बोली. बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जेतले डिस्कशन करिथिली सेतले मु आपन को कहितली कि ओडिशा रा जीके पढ़ी की जीबे. ठीक अछि, किबा जो आपन को हेगला कोन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेथरे जो क्वेश्चन आसिला से हिसाब रे मु कहितली ओडिसा हिस्ट्री ज्योग्राफी के देखि की जीबे. कना ओडिसा रे एग्जाम होज माने ओडिसा स्पेसिफिक किछि क्वेश्चन पचरियो से. सो किए थिले एटा, दैट इज एडी पचछि को ईयर रे लेट 15th टू 16th सेंचुरी रे आपन को इमर्जिंग हेतला कार ना ओडिया पोएट्स मानकर. सो से ओडिया पोएट्स ला किए ना बलराम दास, अति बड़ी जगन्नाथ दास. बलराम दास, अति बड़ी जगन्नाथ दास, देन आपन को अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास. ओके, बस एटा मन रखि देथे. 25 नंबर क्वेश्चन, हु रोट द बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एटा दीटा वॉल्यूम रे के लिखछन, दैट इज आरसी दत्त. डी इज द राइट आंसर. 26 नंबर क्वेश्चन, अगेन एटा अगेन आपन को हरासमेंट कला वाला क्वेश्चन पचारि छी. काहे ना एवरीबॉडी न्यू की 1905 रे आपन को कोन हितला ना बंगाल रो जो डिवीजन हितला, पार्टीशन ऑफ बंगाल हितला. बट एटी पचर छी आपन को इंप्लीमेंट को डेट रे हितला. सो ये टिकट ट्रिकी हेगला कना समस्त ईयर मन रखंदी, बट फिर भी एटा आपन मन रखंदु केबे हितला 16th ऑफ अक्टूबर रे आपन को इंप्लीमेंट हितला. जदी आपन को पचरिबे केबे एटा पास करा हितला एंड की पास करतला, लॉर्ड कजन से तोळे आपन को वाइस रहितले. तो से जुलाई 20 रे एटा को कोन करथले पास करिथले लॉर्ड कजन. एंड एटा को इंप्लीमेंट केबे करायतला 16th ऑफ अक्टूबर 1905 रे इंप्लीमेंट करायतला. तो बी इज द राइट आंसर. देन एटा वेरी इजी क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वेरी फेमस आल्सो स्लोगन. तो एटा आपण के देथले सुभाष चंद्र बोस मध्य देथले. एटा सी इज द राइट आंसर. देन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पंजाब बाउंड्री कमीशन इन 1947. 1947 रे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलथिला. ता सहित आपनरो इंडिया रो विभाजन भी हेतला. तो भारत रे तो विभाजन हेतला, हमरो गोटे इंडिया पाकिस्तान भीतर गोटे लाइन अछि जो बाउंड्री लाइन अछि. एंड अफगानिस्तान भीतर भी हमहु देखा मिले. तो सेटा लाकी ना रेडक्लिफ. तो रेडक्लिफ को आपन को बाउंड्री कमीशन हिसाब रे, पंजाब बाउंड्री कमीशन हिसाब रे नियुक्ति दिया हेतला. आ से हिसाब रे चाइना रे आपन और की अछि ना मैकमोन. 29 नंबर क्वेश्चन, एटा आपन को सिटीज एंड तारा जो नेम अच्छी सेटा पचारिछि. डेट्रॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई, दैट इज राइट. पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर, जयपुर को हमें पिंक सिटी मध्यम कहता है, पिंक सिटी. देन रूर ऑफ इंडिया, एठी आपन को एटा भूल कहि देछि. रूर ऑफ इंडिया आपन के छोटा नागपुर प्लेट्यू, काहेना एठी अधिका मिनरल्स मिले. छोटा नागपुर प्लाट्यू जोड़ा अच्छी से आपको अधिका मिनेराल्स मिले से रूल ऑफ इंडिया सहित तुलना कराए। एथेंस ऑफ इंडिया यहाँ मदुराई। सो थर्ड एंड फोर्थ रंग अच्छी दैट मीन्स ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। सो एभलिया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पचार नाला यूपीएससी को फॉलो करी ओपीएससी भी एभलिया क्वेश्चन पचार केतरा नेखा पेयर आपंकर ठीक अच्छे। अगेन इन ओडिशा गोल्ड रिजर्व्स आर डिस्कवर्ड व्वेयर। अगेन ये क्वेश्चन टाक छाड़ी दूसरी आपण बिकज आर कौन आंसर मो पाखे ना। रिसेंटली आपण को तीनटा जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी से तीनटा डिस्ट्रिक्ट रे देखा मिली गोल्ड रिजर्व मयूरभंज से बट एटी आपण को देखो टोटाल देजी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तापर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आउ गोटे अनुगुल डिस्ट्रिक्ट बट मो हिसाब से यहाँ ऑल आर करेक्ट हम। जदि यार कौन आंसर आपको जाना अच्छी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन 31st नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कल्चर ऑफ ओडिशा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पट्टचित्र एंड पोटचित्र आर क्रिएटिव आर्ट्स राइट ठीक अच्छे। देन चाहू महारी एंड गोटीपुओ यहाँ डांस फॉर्म दैट इज आल्सो राइट। सबरो सोर सावर एंड सहारा यहाँ आपको ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ भी राइट। सो 1 2 3 आर राइट ऑल आर करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द नेम्स कंसर्निंग द आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ओडिशा। जमी मॉडर्न इंडिया आम पढ़ीचे बहुत सारा लीडर्स माने अच्छे मॉडर्न ओडिशार लीडर किए बा आर्किटेक्ट्स किए। सो पर्टिकुलरली जदि आम देखा सी हेले किए ना हरेकृष्ण महताब सेकेंड एंड आम एटा को भी भूली पारानी। देखो जब आप ऑप्शन रे देखुं सेकेंड सहित आउ कौन अच्छी सेकेंड ओनली ना ओनली सेकेंड ना कौटी ये सेकेंड अच्छे एंड थर्ड भी अच्छी दैट इज विजयनाथ पटनायक जहाँ आम विजू पटनायक बोली कही था। तो सी आमर जो मॉडर्न ओडिशा अच्छी तार आर्किटेक्ट सी स्थापना करते। सो 2 and 3 इज द राइट आंसर। देन ड्यूरिंग द एल निनो पीरियड। अगेन एल निनो आपको यहाँ आपको ज्योग्राफी रो क्वेश्चन पचारूची कौन पाई ना यहाँ आपको न्यूज रे अच्छी ज्योग्राफी को भी आपणकर कौन ना करेन्ट सहित रिलेटेड करके सी आपको क्वेश्चन पचार। ड्यूरिंग एल निनो पीरियड द टेम्परेचर राइजेस रैपिडली अलोंग द कोस्ट ऑफ व्हाट आपणकर एठी हला आपणकर सपोज ये आपणकर इंडोनेशिया वाला पोर्सन होगा एंड एठी आपणकर साउथ अमेरिका वाला पोर्सन होगा। जितने एल निनो आसे एल निनो रे आपको एठी जो वार्म वाटर देखा मिले सो दैट एपट साइड रे आपणकर वर्षा हम ओके एंड इंडिया रे कौन हुए ड्रॉट आसे एल निनो पाई ओके। तो पेरू एंड इक्वेडर रे आपको कौन देखा मिले रैपिड इनक्रीज इन द टेम्परेचर देखा मिले। देखो ये ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया देती ये कन्फ्यूज है ओके। सो 1 इज द राइट आंसर। देन 34 नंबर क्वेश्चन अगेन यही जो क्वेश्चन अच्छी यहाँ भी आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो OCS आम डिस्कसन करते लास्ट 5-6 ईयर डिस्कसन कर सारी 10 ईयर डिस्कसन करा। तो यहाँ है आपंकर से क्वेश्चन पचारिजी। देन 34 नंबर क्वेश्चन इन देखो विथ रेफरेंस टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स ओके। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स ये आपको UNDP रिपोर्ट पचारिजी आउ गोटे आम नीति आयोग भी कौन करता है पब्लिश करें ओके। तो ये UNDP रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द रूरल एरियाज इन इंडिया विटनेस द फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पोवर्टी राइट कहीं इंडिया रे पोवर्टी डिक्लाइन बहुत स्पीडली एंड रूरल एरिया रे सबुठु अधिका है कंपेरेटिव टू अर्बन एरिया। एटा भी गोटे PYQ क्वेश्चन एई वर्ष ही आपन को पचारतला क्वेश्चन OCS रे। सो एटा ठीक अछि। देन 135 मिलियन पीपल एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी बिटवीन एतिक टू एतिक एटा भी ठीक अछि बोथ आर करेक्ट। एटा OCS रे ए क्वेश्चन पचारतला एई वर्ष। Then with reference to SDG index 2023 the performance of India and its progress consider the following statement SDG 10 एटा आपनको SDG 10 जोड़ा अच्छी एटा हला कौन जेंडर इक्वालिटी एंड 15 रे आपनको कौन अच्छी लाइफ अबव वाटर सॉरी अबव लैंड और बिलो वाटर ए वाला किछ गोटे थिबो देखि देबे शोइंग द डिक्लाइन ट्रेंड ना ये डिक्लाइन होनी ऑब्वियसली इंडिया सबुबले सबुठारू सब जतक भी कंट्री अच्छी वर्ल्ड रे एसडीजी को अचीवमेंट करियारे इंडिया रो रोल बहुत अधिका अच्छी। इंडिया निज को अधिका पुश करुच्ची भी एसडीजी को कौन करने आगु को ना अटेंड करने 2030 सहित ओके। सो यहाँ तो भूल होगा। देन थर्टीन एंड 11 एंड 13 स्टाग्नेटिंग एगेन एटार कौन सी आपरे ना कौन ना प्रॉपर एविडेंस ना बट मो हिसाब से आंसर कौन हो नाइदर 1 एंड 2। देन 36 नंबर क्वेश्चन ये आपन को पचारची जो इंडिया पॉपुलेशन अच्छी से विषय में कहीं 2023 इंडिया कौन हो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो वर्ल्ड रे। सो फ्रॉम 2020 इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 1%। एठी आपन को पचारची फ्रॉम 2020 ओके। सो 2020 आमर एबे तो अछि 0.8 पाखापाखी अच्छी ओके किंतु एटा फ्रॉम देछि फ्रॉम 2020 ओके। सो एठी हला आपन को टिके कंफ्यूजन आसीबो फ्रॉम 2020 अगेन इट इज राइट आल्सो कहीं ना आप पूर्व 2020 पूर्व भी आपंकर डिक्लाइन थिला ओके बट 15-16 बेल को आपंकर 1.34 एमती थिला किछि गोटे डाटा बट एठी क्वेश्चन हिसाब फ्रॉम 2020 पचाजी यस 2020 पर आमर लेस देन 1% अछि दैट इज राइट स्टेटमेंट 1 इज राइट। And with 17.76 population of India, sorry, of population shares, India ranks the number 1 country in the world. It is also right. So statement 1 and statement 2 are correct. Statement 1 and statement 2 are correct. But actually, देखो and 2 is the correct explanation of statement 1. इटा अपन को ठीक नो। देखो जो statement 2 अच्छी, it does not explain statement 1. स्टेटमेंट 1 रे कहि कि आपन को ग्रोथ रेट जोडा अछि से लेस देन 1% अछि बट एटा आरो कोनोसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नो। सो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 ओके। सो बी इज द राइट आंसर ए होवन यार। देन एठी आपन को पचारि छी चिलिका चिलिका गोटे सॉल्ट वाटर लेक लागुना में त कहे ठीक अछि राइट। अंसुपा गोटे फ्रेश वाटर लेक राइट। सांबर लेक सॉल्ट वाटर लेक करेक्ट। कांजिया लेक भी फ्रेश वाटर लेक एटा भी आपन को ठीक अछि। सो 1 2 3 4 दैट मींस ऑल 4 पेयर्स आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर कोन दोल पूर्णिमा एठी दोल पूर्णिमा लिख दै छी। दोल पूर्णिमा एटा ओटे डांस फॉर्म नो एटा ओटे फेस्टिवल हमर एटा भिट्टिचित्र ओके सॉरी एठी ओटे स्पेस आसीबो भिट्टिचित्र एटा फेस्टिवल नो एटा आपन ओटे पेंटिंग्स घुमरा घुमरा गोटे डांस फॉर्म एटा मुराल्स पेंटिंग नो। देन काकरा पिठा जोड़ा अच्छे एटा गोटे कुजिन आमर फेमस कुजिन। सो 4 ओनली हेला आपन को राइट। सो कोटा ठीक अछि ओनली 1 पेयर इज ओके। एठी पजे छी हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड करेक्टली हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड ओनली 1 पजे छी 1 एंड 3 2 एंड 4 एंड ऑल 4। फर्स्ट तो आपन को दोल पूर्णिमा तो ठीक हबनी काहे ना दोल पूर्णिमा आपन को ये अछि केतेटा पेयर पचे छी ना हां ठीक अछि ओनली 1 पेयर करेक्ट अछि मु भाइले एटा ओनली 1 माने ए 1 टा ठीक अछि बोली ओके। सो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। देन 39 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओडिशा। ओडिशा इज नोन अंडर डिफरेंट नेम्स लाइक कलिंगा उत्कल एंड उद्रादेश एटा उद्रादेश भी हमें त कहे राइट। सो गोवर्धन पीठ जोड़ा अच्छी अफ पुरी फास्ट अफ अल एटी ही आपन को भूल गला पुरी को गोवर्धन पीठ कह जाए गोवर्धन पीठ है किए गारोई आश्रम जोटा कि मो गाँ निजर। सो गारोई आश्रम को गोवर्धन पीठ बोली कह जाए वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोनेस्ट्रीज इन द इंडिया। सो पुरी नुह से। सो एटा सेकेंड भूल गला। द कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा इज कॉल्ड एज पेंटा डेल्टाइक रीजन एगेन यहाँ आपंकर कौन गोटे पीआईक्यू आम डिस्कसन करते कहीं ओडिशा को आम हेक्सा डेल्टाइक रीजन बोली कहे कहीं छटा नदीर समाहार में डेल्टार यहाँ बनी। सो सेकेंड थर्ड रंग अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ओनली 1 इज द करेक्ट। देन एटा आपन को 40 नंबर जो क्वेश्चन अच्छी एटा आपन को गोटे स्टैटिक बेस क्वेश्चन पचारिजी एत बड़ क्वेश्चन आर इजी अप्रोच कौन थी देखो बहुत पिला आर डाटा मन न कहीं किए मन रखियो 83% 92% एवला किए मन रखियो बट आर आंसर जो आसो कौन दुईटाक ठीक माने ए सिंपल वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन। द क्रोमाइट निकेल बॉक्साइट आयरन और कोल रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट रेस्पेक्टिवली एति परसेंटेज ऑफ इंडिया देजी टोटल रिजर्व। देन ये जगह आपन को मिले एंड कहीं देजी देखो प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक्स मेसोजोइक रॉक गोंडवाना सुपर ग्रुप एंड द आर्कियन रॉक्स होस्ट द मेजर मिनरल सोर्स ऑफ द स्टेट एटा भी ठीक अछि। तो statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Then 41 number question, consider the following statements about the river Indus. It flows through only one state in India. Okay, apanagara एडा कोडू फ्लो है इट गोटे स्टेट रे फ्लो है एंड गोटे स्टेट रे फ्लो है अगेन इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन काहेना गोटे स्टेट रे तो फ्लो होए ने पंजाब रे भी फ्लो है ओके हिमाचल प्रदेश रे भी फ्लो है तो वन इज रॉन्ग देन इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड द काराकोरम रेंज ठीक अच्छे इट ओरिजिनेट्स इन द मानसरोवर रेक रु ओरिजिनेट हुए बट एटी देछि रक्षास्थल रु देखे बाहर ओके देखिवा विल सी इट. The Vibhua river is one of its Himalayan tributaries. Okay, it is right. Vibhua river amaro ethi India re nai, but it is in Pakistan. And amaro jo Himalayan region achi, Himalayan region ra kichi portion Pakistan re bhi achi. Thik achi. To sethi pai amaro kon hai jibo? Dekhantu second and fourth, 2 and 4. C is the right answer. Again, eta ko apano interpret kari paribe. Jadi apano ko kichi एग्जैक्ट डाटा मेंशन अछि आपन पाखरे किछि सोर्सेस अछि यू कैन कमेंट अबाउट दैट. देन 42 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ विंड. इंक्रीजिंग दैट मींस सबुठार आपन को लोएस्ट कोडा अछि सेटा लिखिया पड़िवो तापर आपन को हाईएस्ट लिखिया पड़िवो. देखंतु डिप्रेशन कोन होय, डिप्रेशन रे आपन को वर्षा होय, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुए, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हला परे आपन को साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप होबो तापरे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म तापरे आपन को कोन हे जो वेरी सीवियस साइक्लोनिक स्टॉर्म. सो फास्ट देखंतु एटा त आपन को 3 होबनी 4 भी होबनी 1 2 भीतर डिप्रेशन जोडा अछि डिप्रेशन लो प्रेशर एरिया एंड डिप्रेशन. सो लो प्रेशर एरिया एंड डिप्रेशन भीतर कोटा आपन को रहइबो आगरे आगो आपन को आसीबो कोन लो प्रेशर एरिया कहीं ना लो प्रेशर एरिया रे आपन को कोनो सी ही मूवमेंट आपन को जो वर्षा फर्षा अछि से वर्षा फर्षा एते होबनी. लो प्रेशर मूवमेंट जो एरिया डा अछि जनरली आई ऑफ द साइक्लोन बली हम दाखुए एंड सेटा बहुत शांत थाए एक्चुअली तार इर्द-गिर्द रे आपन को बहुत अशांति देखिया को मिले दैट मींस वर्षा विंड देखिया को मिले. सो डी इज द राइट आंसर. देन 43 नंबर क्वेश्चन, which of the following statements are not correct and not correct पजाछि. Okay, respect of the part B state of India. देखंदु हमर जेतोले 1956 रे कोन आस्ला ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आस्ला सेठी आपन को 14 टा स्टेट रो कोन हितला फॉर्मेशन हितला 14 टा स्टेट रो फॉर्मेशन हितला एंड एटा जो आसीबार मूल जिंस होला कोन आंध्र प्रदेश कहला गोडा फॉर्मेशन होबो तार गोडा न्यू स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस रे एटा को भी हम डिस्कशन करितले पीवाईक्यू रे. तो एठी पचाची क्वेश्चन, दिस स्टेट्स वे गवर्न जो पार्ट बी स्टेट गुड़ा थिला पार्ट बी स्टेट वे गवर्न बाय चीफ कमिश्नर को द्वारा सेटा गवर्न करा जाउ नथिला. सो कहा द्वारा गवर्न करा होतला राजपुरमुखी. ओके राजपुरमुख, तो चीफ कमिश्नर इज नॉट राइट. वन टा आपन को भूल गेला त माने सी हबनी ए हबनी. देखंदु ऑप्शन बी रे 2 3 अछि, डी रे भी 3 4 अछि, दैट मींस 3 आपन का करेक्ट. सो आपन देखिया पड़ियो कोन सेकंड एंड फोर्थ भीतर कोडा ठीक अछि. देयर आर एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर इन ईच स्टेट नाइन. सो 3 अछि कोन देयर आर 10 स्टेट इन द पार्ट बी स्टेट्स. एडा यदि आपन को जाना भी नथिबो माने सपोज आपन को जाना नै आपन माने एडा को एलिमिनेट करि भी करि परिबे. तार फोर्थ नंबर पचाजी को द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोडा कि आपन को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे कोइतला एक्ट रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट डी स्टेट्स. सो मो हिसाब रे एटा 3 and 4 वुड बी द राइट आंसर. अगेन एटार आंसर यदि आपन को किसी डिफरेंट लागु छी यू कैन कमेंट. देन एटा आपण मन रखूं जो क्वेश्चन अछि ना से क्वेश्चन आपण जदी बहुत सारा एमती डिफरेंट आंसर व्यू बा आपण को रासिबो तो क्वेश्चन लिखि देबे बस कमेंट सेक्शन में. 44 नंबर रो क्वेश्चन एटार आंसर हे परिबो एटा बी हे परिबो कि ए हे परिबो एंड रीजन हला ए आया. देन अगेन 41 नंबर रो क्वेश्चन ए आया हे परिबो. सो एमि यदि कमेंट करिवे आपण को भी पार्टिसिपेशन बढ़िबो एंड दैट वुड बी हेल्दी यू नो गोटे स्टूडेंट्स माने सेटा देखिले तांको भी लागियो कि नै हां देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट से माने भी सर्च करिवे किसी जिंस. देन 44th नंबर क्वेश्चन एटा आपण अगेन देखंतु सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा को ए वाला क्वेश्चन आपनकर ओसीएस रे भी पचारतला ओमास रे भी पचारला तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें नै जे की फर्स्ट भूल हेगला सो वन इज रॉन्ग जदी वन रॉन्ग हेगला तले एटी पचारची वन रॉन्ग सेकंड एंड थर्ड दीची थर्ड रे दीची जॉइंट सिटिंग एडवाइजरी जुडिडिक्शन जोडा अछि एटा हमें कनाडा रो कॉन्स्टिट्यूशन नैचे जॉइंट सिटिंग जोडा अछि जोडा आर्टिकल 108 तो एटा भी हमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रो नैचे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें अलग जिंस भी नैचे कंकरेंट लिस्ट भी नैचे देन फोर्थ जोडा दीची इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जोडा हमर इमरजेंसी रे सस्पेंशन करा जीवो फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट टू फंडामेंटल राइट्स सेटा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो नहीं ने ऑल्दो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो 50% रो अधिका सोर्सेस एटू नहीं छे बट एटा हमें को वेबिनार बा जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रो नहीं छे तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर देन 45th नंबर क्वेश्चन which of the following statements are correct with respect to procedure established by law and due process of law again एटा आपनका यूपीएससी 2023 रे जो क्वेश्चन पजातला पॉलिटी रे क्वेश्चन यदि आपन देखिए फर्स्ट पॉलिटी क्वेश्चन इट इज अबाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें जो यूपीएससी रा क्वेश्चन भी अछि यूपीएससी 2023 रा क्वेश्चन आई अपलोड इट विदिन 2 to 3 डेज सेतरी भी आपन देखि परिबे ए वाला क्वेश्चन आपन को पजातला से कहि जे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रॉन्ग काहे कि ना हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काहाटर आनचे फर्स्ट जिंसो ओके सॉरी जस्ट अ मिनट तापर पढिया सेकंड वाला प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट ओके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डा हमें आनचे काहाटर यूएसए थारू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एटा हमें आनचे जापान कॉन्स्टिट्यूशन नो अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोर्ट्स चेक द लॉ only to the extent and has been framed by following correct procedure and does not responsible okay म एटा आपन को भूल अछि थर्ड एंड फोर्थ रा काहे की भूल अछि आपन कहि दउ छी थर्ड रा एक्सप्लेनेशन फोर्थ दे दे छी फोर्थ रा एक्सप्लेनेशन थर्ड दे दे छी देखंतु ए जो लेखा आइ छी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ माने हला कोन कहले जदी जण को आपन को कौन करे रहछि पनिशमेंट करे रहछि ताले सेटा पनिशमेंट सेही वे रे हबो जो प्रोसीजर टा आपन को मेंशन अछि कोदे लॉ रे मेंशन अछि ओके एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हला कोन लॉ शुड बी फेयर जेमति आपन सपोज कोटे कोन अछि मैजिस्ट्रेट अछि तो आपन कि कोन करछन्ती गोटे सुनानी सुनौछन्ती गोटे केस रो हियरिंग सुनौछन्ती सो यू हैव टू लिसन टू बोथ पार्टी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ता को जेबा फेयरनेस जदि भी जने गिल्टी अछि ताले यू विल आल्सो लिसन टू बोथ पार्टी तापर आपण डिसीजन देबे सो थर्ड एंड फोर्थ रे जनरल जो एक्सप्लेनेशन दिया आइछि सेटा एक दूसरे पई दिया आइछि बाय भाईसी भाषा पई दिया आइछि सो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर देन 46 नंबर क्वेश्चन एडा जो पॉलिटिकल पार्टी अछि तार फॉर्मेशन केबे हेतला सेटा पचाछि आम आदमी पार्टी 2012 में से फॉर्मेशन हेतला बी 1 रो बी कोड अछि देखंतु ओनली जस्ट विथ वन क्वेश्चंस रो आंसर जदी आपन को जाना अछि वन पेयर रो देन आपन एटा आंसर करि पाइथानते कोदरे एलिमिनेशन मेथड रे देन कैग विषय रे आपन को क्वेश्चन पचाछि व्हिच आर नॉट करेक्ट द ऑफिस ऑफ द कैग डील्ड इन आर्टिकल 138 टू 141 जोडा कि नो कैग ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ लोकपाल देखिबा इट इज आल्सो करेक्ट द रिपोर्ट ऑफ कैग The report of CAG of India are discussed by the Public Account Committee. Obviously, Public Account Committee द्वारा सेटा डिस्कस कराई था. In 1971, the CAG of India was relieved from accounting functions. देखंतु 1971 रे actually आ विषय डिस्कशन कराई था, but 1976 रे particularly 1976 रे आपण को कोन करैला CAG को रिलीव कराई था from accounting function रो. So fourth is wrong. So second and third is correct. एंड एठी क्वेश्चन किंतु पचारि जोडा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो आंसर जानि थिले भी भूल करिके आस्थिबे एठी नॉट करेक्ट पचारि नॉट करेक्ट कोड अछि 1 and 4 कोड अछि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन एडे अगेन आपन को एनजेसीए विषय रे पचारि एनजेसीए आपन को फर्स्ट जिंस तो एडे ऑप्शन 1 टा रॉन्ग हेगला बिकॉज़ एडा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सो एनजेसीए इज केम इनटू came into being by 97th Constitutional Amendment Act. Bull. NJCA became a part of collegium system of Indian judiciary. NJCA became a part of collegium system of Indian judiciary. देखिवा सुप्रीम कोर्ट बैक्ड द कोलेजियम सिस्टम. इट इज राइट. कहीं ना कोलेजियम सिस्टम रे जो आपनका जुडिशियरी अछि जुडिशियरी ही कोन डिस्कशन करिवो कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशियरी दैट मींस कि जज हबो न हबो सेटा डिस्कशन करिवो. देन एनजेसीए वुड हैव had the involvement of the executive in the process of appointment of judge. That is also right. So third and fourth right अछि. First आ भूल अछि. आपनका ऑप्शन कोडा जियो थर्ड एंड फोर्थ एडी अछि. फर्स्ट तो एटा हबनी होय द फॉलोइंग जस्ट अ मिनिट इट अगेन आर करेक्ट पचाचे ना तो करेक्ट हले आपनको 1 ए एंड डी हबनी 3 एंड 4 बी इज द राइट आंसर. देन आर्टिकल 79 टू 122 भितरे आपनको कोन अछि जे कि डील करे का संगे ना पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस सहित दैट इज 105 एंड 122. सिंपल क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपनको कोन कहिजी the original part 9 of the Indian constitution was omitted by the constitution 7th amendment act, right? The present part 9 आपन को अछि पंचायत राज. ओके 73rd constitutional amendment act रे एटा को इंसर्ट कराइतला, right? Also there are 29 subjects अछि part 9 ने जहां ऊपर कोन करि परिबो ना पंचायत आपन को लॉ बनै परिबो. and 240 made a mention of panchayat in the Indian constitution. Wrong. कहना DPSP रे हमरा already कौन अच्छी DPSP रे article कहते 40 रे mention अच्छी पंचायत विषय रे. So fourth is also wrong. So कोटा अपन का ठीक हुआ that is 1 and 2 A is the right answer. A is the right answer. 51 number question. एटा पचेची नेशनल पंचायत राज दिवस एटा अपन का 24th of April रे मना जाए. Important days हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले. सो 26 अछि एटा भूल हे जियो कोटा करेक्ट पचारिनी. सो वन व्हिच आर नॉट करेक्ट वन इज नॉट करेक्ट दैट मींस आपन को आंसर रे वन आसीवा दरकार ए किबा बी भितरु जहा भी गोटे हबो. सो वी हैव टू चेक सेकंड एंड फोर्थ. सेकंड हला कोन द 13th नेशनल पंचायत राज दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023. ओके 13 ता आपन को 2023 रे सेलिब्रेट कराइतला काहे कि ना फर्स्ट जोडा अछि फर्स्ट आपन को 2010 मसिया आपन को सेलिब्रेट कराइतला. के सेलिब्रेट करथिले दैट इज पीएम हमरा मनमोहन सिंह थिले सेतबेले सीए कोन करथिले फर्स्ट डिक्लेयर करथिले. तो एटा त हमरा ठीक अछि ए ठीक अछि एंड 3B आल्सो इज राइट काहे ना 2010 रे एटा फर्स्ट सेलिब्रेट कराइतला 2023 रे एटा 13th एडिशन हला. सो सेकंड एंड थर्ड राइट अछि. फोर्थ ता आपन को रॉन्ग होबो ऑब्वियसली जदी आपन जानि भी नानता विषय ताला आपन एलिमिनेट करकी करि परिबे. 1 एंड 4 इज द राइट आंसर. Then 52 number question. Which of the following statements are not correct with respect of Panchayat Raj in Union Territory of Jammu and Kashmir? Jammu Kashmir रे हमर 2-tier system of Panchayat Raj अछि. एटा wrong. Although हमर 2-tier Panchayat Raj system किछि Union Territory रे हमर कोन अछि existing करूछि एबे भी. And Ashok Rai Mehta जे थिले तांकर recommendation थिला 2-tier systems. Okay. जो हमरा बलवंत राय मेहता अछंती हमर एबे जो देखु जे 3 टायर सिस्टम पंचायत रे तो सेटा बलवंत राय मेहतांकर रिकमेंडेशन थिला. जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 वाज अमेंडेड इन डिसेंबर 2020. देखिबा एटा कोन होची. फर्स्ट इलेक्शन इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर वाज हेल्ड इन नवंबर 28 डिसेंबर 19 2022. एटा भी देखिबा. फोर्थ नंबर क्वेश्चन द लास्ट पंचायत पोल. ओके एठी आपन को पछते द लास्ट पंचायत पोल्स वर हेल्ड इन जम्मू कश्मीर इन द ईयर 2016. देखंदो जो पंचायत पोल अछि सेटा आपन को 2011 मसिया रे लास्ट रे कोन कराइतला पोल कराइतला. ए जो 2016 मसिया लिखाइ जी एठी जदी पंचायत जगह रे म्युनिसिपालिटी लिखाइ थांदा म्युनिसिपालिटी बा म्युनिसिपल पोल जोडा अछि देन इट वुड हैव बीन द राइट आंसर. फोर्थ रे राइट हितांदा बट जेहेतु पंचायत देछि लास्ट पंचायत पोल सो एटा आपन को भूल हे जियो. तो क्वेश्चन ने पछाछि कोटा ठीक अछि व्हिच आर द करेक्ट. सो फर्स्ट आर रॉन्ग अछि फोर्थ आर रॉन्ग अछि सेकंड एंड थर्ड डी इज द राइट आंसर. अगेन पब्लिक ऑर्डर विषय आपन क्वेश्चन पजाछि इट इज इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पब्लिक ऑर्डर एटा आपन कंकरेंट लिस्ट रे आसीबो 1 इज द राइट आंसर. देखंदो जदी ए क्वेश्चन रो आंसर आपन को ए जो एते सब जिंस बुले वाली पकेजी जदी भी जाना नथियो ताले कोन हबो आपन जाना पड़ला फर्स्ट राइट अछि. देखंदो ए ऑप्शन रे कोन अछि कोडी फास्ट अछि ओनली गुटे ऑप्शन रे आपन को फास्ट अछि दैट इज ए इज द राइट आंसर ओके तो एते क्वेश्चन एटा को बुझिया को एते भी पड़िबोनी कोन अछि प्रिवेंटिव डिटेंशन कोन अछि एटसेट्रा एटसेट्रा तो एटरो आपन को एलिमिनेट करके भी करि परथान एटा को 54 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with respect of article 30 of the Indian constitution article 30 article 29 एटा आपन को minorities को दिया आइजी and only available to Indian citizen ए वाला केतरा अछि article 15 16 तापर 19 तापर आपन का सिला 29 30 ए जो पांचटा आर्टिकल अछि एटा only given to Indian people so it come paj ji the government aid to any educational institution run by any religious minority is not a right dekhiba the government aid is a constitutional guaranteed fundamental rights of minorities okay we'll see it the government aid to minority institution is a matter of policy okay ha thik achi eta thik achi government jo aid doji माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एटा तार पॉलिसी रो गोटे भी मैटर दैट मींस से पॉलिसी रे एटा को इंक्लूड भी करिथाय सो 3 टा हम पाखरे पर्यंत ठीक आसला आ जो फर्स्ट सेकंड अछि ताको आउथरे हम क्रॉस चेक करियो द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इज अलाउड टू से दैट द ग्रांट ऑफ एड शुड बी ऑन इट्स ओन टर्म ऑब्वियसली से माने कहि परिवे सो फोर्थ इज राइट आल्सो थर्ड एंड फोर्थ राइट हेगला हमरो क्वेश्चन देखंतु आपन को फर्स्ट एंड सेकंड जदी बुझा भी पडोनी ताले आपन एथरो सॉल्व करि परिवे एलिमिनेट करके सो एलिमिनेट करके आई थिंक ए इज द राइट आंसर अगेन एटा गोटे आपन को क्वेश्चन मार्क रहला कि whether it is right or wrong what you think about it जदी आपन को लागु छी एटा रॉन्ग अछि यार किछ अलगा एक्सप्लेनेशन अछि आपन पाखरे फर्स्ट एंड सेकंड राइट हे परिवो देन गिव मी इन द कमेंट सेक्शन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओके तापरे 55th नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू राइट टू प्राइवेसी ओके राइट टू प्राइवेसी हमर केबे हितला 2017 पुट्टास्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कहितला राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट मनला सुप्रीम कोर्ट कहितला काहे कि मु सुप्रीम कोर्ट कोछि अगेन एटा डिस्कशन करिवा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लिसिटली एठी क्वेश्चन रे आपन को जो वर्ड अछि वर्ड सहित ही खेली दैछि आपन सहित सो इंप्लिसिटली आपन को एठी पजाछि इंक्लूड्स इन राइट टू प्राइवेसी नो देन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोड अछि आमे बा कहले बे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट रु बाला राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट राइट टू प्राइवेसी इज सीन एज अ पोसेसिंग इनहेरेंट वैल्यूज ऑफ इंपोर्टेंट फॉर एवरी पर्सनस बेसिक डिग्निटी राइट एटा ठीक अछि राइट टू प्राइवेसी पोसेसेस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज व्हिच फीचर्स द पर्सनस एबिलिटी टू लिव फ्री विद ऑफ इंटरफेरेंस दैट इज आल्सो राइट देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ राइट टू प्राइवेसी इन फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल under part 3 of the Indian constitution eta bi right hobo somehow because no traces pajaji kaina jo right to privacy chi right to privacy apan ko supreme court ro judgment ro hi bahar thila so mo hisab re 2/3 4th are correct eti pajaji which are correct 2/3 4th la b is the right answer okay then eta tike tricky thila e question na then 56 number question एठी आपन को पछाची in which of the following provisions of Indian constitution does India have a bearing on education education विषय रे हमें जानि छे तीनटा जगह रे मेंशन अछि गोटेला आपन को फंडामेंटल राइट्स आउटला डीपीएसपी आउटला आपन को कोन फंडामेंटल ड्यूटीज ओके सो एठी देखन तो फिफ्थ शेड्यूल ले तो आपन को एरिया विषय मेंशन अछि सिक्स्थ शेड्यूल भी आपन को जो एरिया अछि केमती एडमिनिस्ट्रेशन होबा ता ऊपर 7th schedule ले काहे कि आपन को आसीबो एजुकेशन विषय रे अगेन इट इज अ क्वेश्चन मार्क 4th नंबर क्वेश्चन 4th रे आपन को राइट हबो एंड 5th इज आल्सो राइट 4 एंड 5th ए इज द राइट आंसर 57 नंबर क्वेश्चन क्यूरेटिव पिटिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू नो व्हाट इज क्यूरेटिव पिटिशन हला कोन जदी आपन को गोटे जजमेंट आसी सारी छी जजमेंट आसी सारला परे आपण 30 डेज भितरे आपण आउथरे पिटिशन लगै परिवे तो सेटा को हमें क्यूरेटिव पिटिशन को आजिवो क्यूरेटिव पिटिशन इज नॉट सपोर्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काहे कि जदी सपोर्ट करा आइना था ताले एटा काहे कि मेंशन अछि कि 30 डेज भितरे हमें करि परिवा ए क्यूरेटिव पिटिशन इज मेड आफ्टर द रिव्यू पिटिशन इज रिजेक्टेड ओके एटा ठीक अछि रिव्यू पिटिशन रो रिजेक्ट हबारा 30 डेज परे हम एटा को कोन करि परिवा अप्लाई करि परिवा देन A curative petition is supported by Article 137 of the Indian Constitution. Okay, we'll see कि ये ठीक अच्छी कि भूल अच्छी. The curative petition is made with 3 weeks from the date of the judgment passed. 3 week नहीं ये डाला 30 days within 30 days. So fourth रा wrong है गला, first रा wrong अच्छी, second and third right अच्छी आपन को बकरे. एठी आपन को कौन question पचारी ची? With reference to just a minute, let me plug in. Okay. Okay. So question आपन को पचारी ची with reference to curative petition, consider the following statement. So curative petition is not supported by Indian Constitution. Okay, we'll see. Again, एड़ा तो आपन को ठीक अच्छी. Curative petition is made after the review petition is rejected. Second है ठीक अच्छी. So जब second है ठीक अच्छी, सब उधर तो second अच्छी. Okay. Fourth रा भूल अच्छी. Okay, second and third. C is the right answer. Then 58 number question. Again, एड़ा आपन को basic economics रा कोटे question पर जाए दीची कि vicious cycle of poverty is associated with whom? That is ranger जी थिले से बा रैगनर तांको कहा जाए रैगनर कौन करते हैं ये जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट देते हैं. देन 59 नंबर क्वेश्चन कंपोनेंट्स ऑफ एसडीआई इंडेक्स कौन कौन कंपोनेंट अच्छी आर तीन टा जनरली कंपोनेंट अच्छी. फर्स्ट है आपन को लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट मींस आपन केते वर्ष बंचुचंदी गोटे कंट्री रे जहां को हमें लॉन्गेविटी बोली मधे कहा जाए. ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एटा को जो इन्फेंट मोर्टालिटी अछि इन्फेंट मोर्टालिटी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोली मध्य कुहा जाय. समहाउ इट इज आल्सो टेकन इन कंसीडरेशन ऑफ एसडीआई इंडेक्स बट देखिबा एटा हबनी केमथि. तापरे एजुकेशनल अटेनमेंट एटा ठीक अछि. डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटा भी ठीक अछि. सो एक्यूरेटली 1 थर्ड एंड फोर्थ अच्छी देखो सब जाकर तो आपनकर ठीक आसुची मो हिसाब रे काना इन्फेंट मोर्टालिटी जोडा आपनकर चाइल्ड बार्थ रेट जाउ कुआ जाय कि गोटे शिशु जन्म होला पर गोटे देश रे केते केते समय जे बंचुची बा 1000 टा शिशु जन्म होला पर केते ता भीतर बंचुचंदी सेटा भी काउंट करा जाय संभव बट एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट 1/3 and 4th कोड गले 1/3 and 4th आर द करेक्ट. डी इज द राइट आंसर. 16 नंबर क्वेश्चन जीरो बेस बजेटिंग विषय रे आपन को क्वेश्चन पजाय छी. जीरो बेस बजेटिंग रे आपन को कोन क्वेश्चन पजाय छी? Which of the following are relevant to zero-based budgeting? So each item of expenditure is challenged in pre-budget review, right? Then no minimum level of expenditure is allowed to be taken as given. एटा हमें जो economics का question को हमें particularly discussion करिवा से तरह मु आपन को zero-based budgeting कौन होगा छेड़ा मु already discussion कर मने discussion करिवी future रे जोड़ा अच्छी economics रा question गुड़ागा. सो ए क्वेश्चन पाई एटा तो 1 रा ठीक अछि. देन सेकंड वाला आपन को नो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी टेकन एज गिवन एटा भी ठीक अछि. एक्सपेंडिचर ऑफ ईच आइटम इज इंक्रीज मार्जिनली इंक्रीज कम पाई करा जीवो. मोस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज टेकन फॉर ग्रांटेड देछि व्हेन बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर. नाइन सो थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग होबो 1 एंड 2 दैट इज सी इज द राइट आंसर. Then 61 number question during the planning period highest growth rate was achieved during what? देखो हमारा 5 year plans एबे बंद है जी ताप कहीं ना हमें नीति आयोग कौन कौन चे आने दीजिए नीति आयोग तो हमारा last 5 year तला कोड़ा 12th 5 year plan. So 8 जो हमारा 10th plan आचे 10th 5 year plan रे हमारा approximately 8.05% का growth rate देखिए को मिली थला सब उधर highest तला सेटा. So B is the right answer. Again, the most popular definition of sustainable developments is given by what? That is Brundtland Committee. एटा को हमें इकोनॉमिक्स रो पीवाईक्यू रे डिस्कशन करथिले. एसडीजी इज वेरी मच इंपोर्टेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन तार जो पॉपुलर डेफिनेशन अछि सेटा के ब्रुंटलैंड कमीशन जोडा थिला से देथिले एंड ए किए इफ यू नो अबाउट दिस पर्सनल तो आपण जानि चंती कोन पई से देथिले एंड को कंट्री रे भी दिया जायतला हेडा. 63 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय फार्म मेकानाइजेशन. फार्म मेकानाइजेशन ला कोन हमें फार्म रे बा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमें करजे सेथरे विल यूज व्हाट मशीन्स यूजिंग ओनली मशीन्स फॉर ऑपरेशंस नहीं रिप्लेसमेंट बायोलॉजिकल रिसोर्स. ओके एटा भाव नहीं यूजिंग मशीन्स ट्रैक्टर्स ट्यूबवेल्स एटसेट्रा फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एटा ठीक होबो. यूजिंग मशीन्स ट्रैक्टर ट्यूबवेल्स फर्टिलाइजर एंड बिसाइड्स सॉइल टेस्टिंग एंड सर्टिफाइड सीड्स सर्टिफाइड सीट्स ओके जो मेंशन अछि सो एठी खाली आपन को मेकानाइजेशन विषय पचार छी जेहेतु मेकानाइजेशन विषय पचार छी सर्टिफाइड सीट्स रा आरो कोनोसी आरो रिलेशन आसीबोनी आ सहित मोर हिसाब रे काना बहुत लोकंगर कंफ्यूजन अछि बी सी एंड डी भितरे बट आई विल गो विथ सी बिकॉज क्वेश्चन आपन डायरेक्ट पचार छी मेकानाइजेशन विषय रे सो सी आपन को डिफाइन कर छी मेकानाइजेशन को देन 64 number question consider the following the financial intermediary को हमें कौन कहे जो आपन करो बिटवीन लोकल जो थाए ताको हमें कौन कहंदी मध्यस्थी बोली मध्य कहि थाए तो आ भितरु कोडा अछि नाबार्ड करे LIC करे SBI करे RBI करे नि कहना RBI हला कोन bankers of the bank so second third fourth B is the right answer अगेन एक क्वेश्चन बारंबार आपन को पचाई साइजी सीपीआई विषय रे डब्ल्यूपीआई विषय रे एडा आपन को केबे काउंट करा जाय दैट इज मंथली आपन को आर फ्रीक्वेंसी अछि अगेन ऑन व्हाट डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपन को नेचुरल रिसोर्स ऊपर डिपेंड करिवो कैपिटल फॉर्मेशन भी एंड साइज ऑफ द मार्केट सो ऑल फोर आर करेक्ट 67 नंबर क्वेश्चन जस्ट अ मिनट Which of the following is true with respect to the monetary approach to the balance of payment? Balance of payment रो simple definition आपन को पचाइछि true कोटा हवा It views the balance of payments as an essential monetary phenomena. No, a balance of payment deficit results from an excess demand of money in the nation. That is right. A is the right answer. Then आपन को पचाइछि the exchange rate is kept same in all parts of the market by what आपन को स्पेकुलेशन रे भी हे परिवो एंड आपन को एक्सचेंज आर्बिट्रेज रे हे परिवो बट ए इज द राइट आंसर एटी आपन को होबो एक्सचेंज आर्बिट्रेज देन 69 नंबर क्वेश्चन एटीएम बीच रे पचाजी एटीएम टा हला कोन व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्ट एटीएम हला कोन एटीएम इज नॉट ओन्ड बाय द बैंक बट बाय प्राइवेट एटीएम सर्विस प्रोवाइडर दैट इज आल्सो राइट बी इज द राइट आंसर देन 70 नंबर क्वेश्चन पचारी जी को इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस रे आपण कोन करबे आरबीआई विल ऑप्शन टू सेल गवर्नमेंट सिक्युरिटीज इन ओपन मार्केट रे आपण कोन करा जे गवर्नमेंट सिक्युरिटीज बा गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल एंड परचेस करा जे तो एटा केबे हे परिवो जेतोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को कहिवो हेडा को बिकिबा पई सो डी इज द राइट आंसर 71 नंबर क्वेश्चन द साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जे ही फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी जाको हमें जाने दैट इज B is the right answer. So, 72 number question: Which gas was released in the environment from the blast in Nord Stream pipeline? Nord Stream pipeline रे आपन को कोन गैस हेतला? That is आपन को कोन? सेडा को बोले natural gas. Okay, natural gas release हेतला and सेथिरे अधिका content आपन को methane थिला. So B is the right answer. 73rd number question again पचासी 75th independence ईयर रे आपन को ओडिसा रे रामसर साइड केतेडा ऐड कराई छि तीनटा ऐड कराइतला टोटल ओडिसा रे 6टा आइ छि एडा को बारंबार हम डिस्कशन कर चलनी तामपरा हिराकुद अंसुपा सो डी इज द राइट आंसर अगेन क्वेश्चन आपन को पछे छि सैंडी सॉइल एडा ठीक अछि लोमी सॉइल एडा पछे छि आपन को देखो एक क्वेश्चन जो अछि एडा इट इज अ बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हाई काहे ना आपन को ए वाला जो परसेंटेज वाइज आपन को मन रखिया डिफिकल्ट हेते सो लोमी सैंड सॉइल जोडा अछि एडा 40% आसीबो सैंड तापरे 40% क्ले एंड 20% सिल्ट ओके सो 3 टा आपनकर रॉन्ग होबो दैट इज डी इज द राइट आंसर द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज और आर देखो एठी आपनकर फास्टेस्ट पचारि छी सबुठारो अधिका किए बा शीघ्र किए आपनकर बुडी छिवो दैट इज वेनिस मर्चेंट ऑफ वेनिस पढिथिबे बाय शेक्सपियर एडा आपनकर इटली रे अछि ओके सो ई जरा आर पचाजी अगेन वेनिस भी हबो जकार्ता भी हबो लंडन भी हबो एंड न्यूयॉर्क भी हबो काही ना गोटे रिपोर्ट रे आपन को मेंशन भी कराई जायतला कोन न्यूयॉर्क भी न्यूयॉर्क जोडा अछि ताकू भी डेंजर अछि कम पई से सिंक कर दियो बोली सो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हबो 1 2 3 4 बट 4 त आपन को ऑप्शन देइनी सो डी वुड बी द राइट आंसर देन 76 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एनवायरमेंटल क्वेश्चन सीएफसी एचएफसी मीथेन ब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड डी इज द राइट आंसर अगेन एटा गोटे पीवाईक्यू क्वेश्चन El Nino means what? El Nino हला को unusual warm water in the Pacific Ocean. Again एटा को हम डिस्कशन करछे PYQ रे. 78 नंबर क्वेश्चन. पचमारी जोटा अच्छी एटा अरुणाचल प्रदेश रे अछि, दिबांग दिहांग मध्य प्रदेश रे अछि नाही, बिल्कुल नहीं. देन दिब्रु साइकावो एटा हमरो साइकावो क्वा सॉरी साइक्वा तो एटा आपन को आसाम रे अछि. देन अगस्त्यमालाई एटा तमिलनाडु केरल रे अछि. 3 and 4 D C is the right answer. Then 79 number question, which of the following is a cold blooded species? Cold blooded species are like reptiles. D is the right answer. The hotspots present in the Indian subcontinents are Himalaya, Indo-Burma region, then Indo-Burma la eta apan ko Myanmar, Western Ghat and Sundaland. 1 2 3 4 are right, that is all of the above. The extensive flooding in the Libya was due to Daniel storm. Current affairs question, which of the following यूजेस गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फॉर इट ऑपरेशन? वाईफाई रे हुए, ब्लूटूथ रे हुए, माइक्रोवेव्स रे भी हुए. 1 2 3 1 2 3. देन जो टीवी रिमोट्स अछि, टीवी रिमोट्स रे हमरो कोन इंफ्रारेड आईआर इंफ्रारेड लागि थाए. एथिरे एथिरे आपनकर जो गीगाहर्ट्ज अछि फ्रीक्वेंसी यूज हुए कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. यदि आपन जानि छथि टीवी रिमोट ए जो 1 2 3 अछि, इट इज आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग्स, बट टीवी रिमोट्स विषय आई एम नॉट श्योर. ओके सो मो हिसाब रे 1 2 3 हबो. जदी आपन को लागु जे टीवी रिमोट भी इंक्लूड करा जेओ कोतरे गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करे फॉर इट्स ऑपरेशन, देन कोनोसी ऑप्शन ही नाही, कहना 1 2 3 4 कोनोसी ऑप्शन नाही. 83 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज द फॉलोइंग कैरी ब्लड इनसाइड आवर बॉडी? सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिक बायोलॉजी. आपन को बॉडी आर्टरीज कोन अछि ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निए, वेन्स कोन अछि ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निए, कैपिलरीज कौन करे जो आर्टरी एंड वेन्स थ्रू अलग जो सरफेसेस अछि ताको हमरा ब्लड फ्लो करते है. नर्व्स हमरा एटा ब्लड फ्लो करेनी, बट एटा ट्रांसमिट करे हमरा कोन सेंसेस को. सो 1 2 3 इज द राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पोलर सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट आपनकर बेंजीन हबनी, काना बेंजीन हला नॉन पोलर ओके एलिमेंट, सो बेंजीन हबनी, बेंजीन न हले 3 हबनी, एटा हबनी, एटा हबनी. वाटर हबो, अल्कोहल हबो. वाटर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म विषय मत भी जाना नहीं. ओके सो वाटर अल्कोहल दैट इज ए इज द राइट आंसर. 85th हला कोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज आर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द एलॉयज इन गिवन लिस्ट. ओके आ भीतर एलॉयज कोडा अछि. एलॉयज हला कोन हम जेतले दीटा एलिमेंट को मिसी के आ गोटे किसी जिंसो बनाए मेटल तो ताको हम एलॉय बोली कोए. ब्रास हबो, स्टेनलेस स्टील ले बहुत सारा जिंसो मिसे. प्लैटिनम आपन को गोटे प्योरली एलिमेंट गोटे प्योर एलिमेंट गोटे. देन 22 कैरेट जो कैरेट गोल्ड अछि बा 22 कैरेट सोना जाउ को जे एथिरे भी आपनकर किछि जिंस मिसा जाउ छी, काहे ना आ पूर्व गोटे 18 कैरेट अछि जोटा गोल्ड अछि. गोल्ड टा सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट. ओके तो हम यदि ऑर्नामेंट्स जा भी बनौ जे ज्वेलरी गोडा बनौ जे तो सेथिरे हमर 22 कैरेट 24 कैरेट अछि, ता माने कोन एथिरे प्योरिटी गोल्ड रो कम अछि ठीक है, ठीक अछि. तो एथिरे हम किछि अलग जिंस मिसाए सो दैट कोन होबा हमर जो ज्वेलरी टा बनिबो से ज्वेलरी टा कोन होय ठीके स्ट्रांग बनि थाए. सो 1 टू 4 वुड बी द राइट आंसर. अगेन 86 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टू मेटल्स यूजिंग हीट? हीट यूज करके हमें टू मेटल्स को जॉइन करिया. सोल्डरिंग रे होए, वेल्डिंग रे होए, ब्रेजिंग रे भी होए. मोल्डिंग हला कोन, मोल्डिंग आपनकर गोटे जो शेप बनानी कि गोटे मैन्युफैक्चरिंग ओके जो गोटे जिंस को मैन्युफैक्चरिंग हमें करिवा तो तार गोटे शेप बनाइ देवा एंड ता भीतर हमें कोन करिवा मोल्टन मेटल को स्प्रेड करिवा. एंड मोल्टन मेटल टा कोन होबो ठंडा हेला परे आपन को गोटे रेप्लिका दारा बा से जो जिंसडा मिलि जीवो. सो मोल्डिंग आपन को होबनी. 1 2 3 इज द राइट आंसर सी. लेजर कोथरे आपन को यूज हे पचाय जेटा among the given computer components the items that laser is or are एटा कोन होय सीडी रीडर तो आपन को हुए ए तो सबथरे ही अछि. ओके अगेन फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एथे. ओके आई एम बिट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन 87 रे. यदि आपन को करेक्ट आंसर जाना अछि देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. देन 88 नंबर क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस गैसेस आर व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर. ऑल आर करेक्ट. 1 2 3 4 इज द राइट आंसर डी. 89 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिजीज गिवन बिलो the one that is caused by mosquito bite? ओके मॉस्किटो बाइट द्वारा डेंगू होता है, चिकनगुनिया भी होता है. 1 and 2 B is the right answer. The 90 number question, एडी पजाची मोटे मेटल रॉड अछि. मेटल रॉड रो कंडक्शन को हमें कोन करे? कंडक्शन हला कोन गोटे जिनस जो आप भजा भाजुंट से तो आपको जो लुहा खड़िका अच्छी से गरम लगुच कौन दैट इज ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन है कौन जो दीटा आपंक सॉलिड अच्छी आम लगे रखुचे टच कर रखुचे से हीट ट्रांसफर होम कंडक्शन बोली कहे। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इनक्रीजिंग इट्स लेंथ ओके इनक्रीज कले आम रिड्यूस कर परिया तार जो इफर्ट अच्छी जो हीट जोड़ा अच्छी से हीट टाक आम कमे परिया। क्रॉस सेक्शन को जब भी आम इनक्रीज करिया ताहले भी आम कौन कर कमे परिया। ड्रिलिंग होल्स इन इट्स सरफेस दैट मीन्स यहाँ आपंकर कौन अच्छी गोटे तार होल्स अच्छी माने यहाँ आपंकर गोटे रड अच्छी आ भितर होल करदेवा। होल कले देखो सम्हाओ आपन कौन मिल ड्यू टू एयर आपण को कौन हम जो हीट गुड़ा अच्छी हीट गुड़ा कंडक्शन रु कौन हो रेडिएशन रे बा रेडिएशन है कि बाहर बट आपको ये सरफेस रे आपको हीट ही फील हम। सो यार एत कि आसवनी एगेन यहाँ आप अपेक्षा करूँ जो ऑफिशियल आंसर की साइंस रो आसो जो ऑफिशियल आंसर की रे यू विल बी लाइक आपको पूरा करेक्टली एटा मेंशन हो कि ठीक हम कि न ठीक हम बोली। तापर आ भितर ये कह भर यदि ड्रिल करदे ताल भी आपको कौन हम हाँ माने टी हिटनेस तार कम हम हटनेसटा। सो मो हिसाब से 3/4 रंग हम 1 and 2 ए इज द राइट आंसर हम। देन 91 नंबर क्वेश्चन ओके स्टेप अप ट्रांसफॉर्म अप विषय पचारछि। देखो साइंस रो क्वेश्चन टिके हार्ड आपन पचारछि क्वेश्चन लेवल जदि आपन देखिबे इट इज इजी टू मॉडरेट बट साइंस वाला क्वेश्चन गुडा टिके कोन अछि आपन को समहाउ डिफिकल्ट अछि ओके। तो एठी आपन को पचारछि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विषय पचारछि। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कोन करियो ता विषय फॉल्स कोडा पचारछि विद द स्टेटमेंट फॉलोइंग्स आर फॉल्स। वोल्टेज को एम्प्लीफाई करे दैट इज राइट। वोल्टेज को तो एम्प्लीफाई करिवो ही ना तो 1 ता आपन को हबनी बुझीपार्छन। ये पचार फल्स 1 हेनी दैट मीन 2 and 3, 2, 3, 4 भर कौटा हम 2, 3 तो ठीक अच्छे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्प्लीफाइड इलेक्ट्रिक चार्ज कौन एम्प्लीफाई हम यहाँ हेनी। सो बी इज द राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन देखो ये अगेन क्वेश्चन आपको पचार व्हिच आर फल्स जब ट्रू पचार था 1 तो करेक्ट ही हम बट ये पचार कौटा फल्स हम। देन डिस्पर्सन आप कौटी हुए प्रिज्म रे हुए केतबले हुए जिते आपंकर प्रिज्म उपर आपंकर कौन हम एमती सनलाइटा एमती पड़ो तापर डिस्पर्सन हो एगेन। थर्ड इज राइट एंड ओब्लिक भी पढ़ले सेटा भी हो पार। सो 3rd and 4th डी इज द राइट आंसर। जदि आपंकर ग्लास स्लाब उपर पड़ला ग्लास स्लाब उपर पड़ले आपंकर डिफ्रैक्शन हम डिफ्रैक्शन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन एंड डिफ्रैक्शन ओके। 93 नंबर क्वेश्चन कोटा फूड प्रिजर्वेशन हिसाब से हमरो यूज करा जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो यूज ही करा जाए हाइड्रोजन सल्फाइड को भी यूज करा जाए। 1 to 4 कोटी अच्छी की 1 to 4 ए ओके ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ओके 1, 2 and 4। आर्गन को हमें बल्ब भीतर यूज करे जो इलेक्ट्रिक बल्ब अच्छी ता भीतर यूज करे कहीं नॉन रिएक्टिव गैस। Which of the following are not attracted by a magnet? Magnet द्वारा कोटा attract हबन ओके। देखो कोबाल्ट निकेल एटा कौन हम हम सिल्वर और ब्रास हबनी। सो 3 and 4 इज द राइट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन आपको पचारछि सिंपल एटा आपको बार मैग्नेट देछि बार मैग्नेट रे कोठी मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक हम आम जानिचे एमती भूल गला एटा ओके एमती एमती हेदा तारा जो मैग्नेटिक फील्ड अछि। सो पोल रे सबसे अधिक थाय तारा कोन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज P and R रे सबुठु अधिक देखा मिले मैग्नेटिक फील्ड। अगेन ए क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन आम जानिचे सीरीज कनेक्शन गोटे अच्छी पैरेलल कॉम्बिनेशन गोटे अच्छी दैट मीन से करंट जीव एटी एमती डिवाइड हम एटी एमती भी डिवाइड हो सपोज 10 एम्पियर करंट आसुची 5 एम्पियर जीव एटी 5 एम्पियर जीव डिपेंडिंग अपन द रेजिस्टेंस। व्हिच द फॉलोइंग आर ट्रू आपको पचारछि नो करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर एठी आपन को लागि कैपेसिटर एटा ला आपन को कैपेसिटर सॉरी कैपेसिटर एट लगी एटा ला कैपेसिटर एटा ला रेजिस्टर एटा ला आपन को ना कोन दे जेडा ओडे इंडक्टर देथियो ओके इंडक्टर। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नो करंट विल फ्लो थ्रू कैपेसिटर कैपेसिटर थ्रू रे कोनोसी करंट फ्लो करिवो नाही ओके वी विल सी दैट। देन मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू इंडिकेटर सॉरी इंडक्टर ओके कहीं स्टार्टिंग इंडक्टर रे आपन मैक्सिमम करंट फ्लो कर दियो तापर voltage drop will be maximum across the capacitor among the three जो तीन टा अच्छा सबुठार अधिका voltage drop आप रेजिस्टर पाखे देखा मिलो ना कि कैपेसिटर पाखे देखा मिलो। रिमूवल ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट वोंट अफेक्ट द करंट फ्लो इन द सर्किट। ओके देखो जब आम जदि फर्स्ट ठीक हम नो करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर दैट मीन्स कैपेसिटर थ्रू रे कौन करंट ही फ्लो करनी आम कट करदे कौन हेनी सर्किट रे कौन प्रोब्लेम हेनी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ दी जन को कम्प्लीमेंट कर देखा कौटा ठीक अच्छे फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने ठीक अच्छे सेकेंड एंड थर्ड तो 1 2 3 4 डी इज द राइट आंसर सब जगह ठीक हम। एगेन यहाँ गोटे आप आई एम नॉट सियोर अबाउट 100% सियोर नो ये क्वेश्चन विषय रे विल डिस्कस इट अगेन जो आपको ऑफिशियल क्वेश्चन बा आंसर की आसो। 97 नंबर क्वेश्चन ये पचार हुई द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस सेटा केते थाए 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीमीटर एति थाए ना वाले 4.18 ओके 23 नहीं ओके सॉरी 1 किलो कैलोरी 1 कैलोरी नहीं 1 किलो कैलोरी पर केजी केल्विन बा केजी एठी आपनकर देछि कोथरे ना सेल्सियस रे देछि सेति पय केजी सेल्सियस सो फोर्थ हबो एंड 3 हबो बी इज द राइट आंसर। अगेन जीएसएम आपनकर कोन होइतबा एडा मते किछि आईडिया नहीं जीएसएम विषय रे ओके मोस्ट प्रोबेबली यदि देखिबे एडा कोन ग्राम पर स्क्वायर मीटर हबो सेकंड सबुथरे ही अछि पैकेजिंग डेंसिटी सेकंड एंड थर्ड okay let's okay it is also a doubt question I'm not sure about this question eta kon achi 10⁻¹⁻¹⁵ को हमें फेमटो कुए एंड कोन कुए एंगस्ट्रॉम कुए कि फर्मी कुए लेट मी नो एटा कोन को जाय ना 1 एंड 4 4 एंड 1 देछि डी फर्मी वुड बी द राइट आंसर फेमटो एंड फर्मी फर्मी। देन 100 नंबर क्वेश्चन द यूनिट ऑफ एम्पियर एम्पियर यूनिट वोल्ट हबो वोल्ट देखो v इज इक्वल टू IR I is equal to कहते हो V by R V हला वोल्ट ओम हला रेजिस्टर हला ओम तो वोल्ट पर एम्पियर वोल्ट पर ओम तो है गला तो फर्स्ट है गला कूलम पर सेकंड भी हम कहीं आमर कूलम हला कार चार्ज Q is equal to IT Q is equal to IT हेले I is equal to Q by T हला Q हला कौन आमर चार्ज चार्ज हला कौन कूलम टाइम हला सेकंड सो 1 2 इज द राइट आंसर A इज द राइट आंसर। देखो साइंस रो क्वेश्चन संभाव आपन को जो क्वेश्चन थिला संभाव ट्रिकी थिला किसी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थिला एंड जोडा हमें डिस्कशन कले एटा ऑफिशियल आंसर की को नै कि डिस्कशन करिने ओके तो हमें आपको रिलाय करि परिनी कि हां हमर एति की रहिबो बोली कि काना किसी क्वेश्चन गूगल से भी आपन को भूल देखिया को मिलु जी। सो वेट फॉर द आंसर कीज और वेट फॉर द कट ऑफ। अगेन कट ऑफ जदि आपण डिस्कशन करिया चाहौ कमेंट सेक्शन में आपण केते अटेम्प्ट करछन जहां भी हम डिस्कशन करले एबे जोडा मु छाडी देजी कि कोन क्वेश्चन मार की 5-10 टा क्वेश्चन अछि सेतरो 5 to 10 क्वेश्चन मैक्सिमम थिवो तो ताकू छाडी की आपण को जो 90 क्वेश्चन अछि से 90 क्वेश्चन रो केतेटा करेक्ट आछि से हिसाब रे आपण कमेंट रे जणातु सो दैट आपण को जो कट ऑफ अछि से कट ऑफ प्रेडिक्ट करिया रे इजी हबो काना सेकंड पेपर वाज वेरी इजी ऑलमोस्ट एवरीबॉडी अटेम्प्टेड 80 प्लस ओके तो सेटा आपण 160 धर दियंतु आर्थर जायतला केते 223 केते 290 आई गेस कि 280 केते गोडा जायतला प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपण देखि देबे ओके। अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगेन जदी आपण को कोनोसी भी जगह रे भूल लागु छी कि एठी भूल एक्सप्लेनेशन अछि यू आर जस्ट फ्री टू कमेंट ओके।